जैसा कि आप पूछ रहे हैं हमारे से कि जैन धर्म में दीक्षा का क्या महत्व है, जैन धर्म में दीक्षा का महत्व है वेश परिवर्तन नहीं, जीवन परिवर्तन करना है। केवल वेश को ही नहीं बदलना, हमारे जीवन को बदलना है। जो पिछले जन्मों के हमारे कुसंस्कार हैं उन्हें निकालकर हमारे अंदर सुसंस्कार भरे जाएं, यही हमारे दीक्षा का महत्व है। दीक्षा के समय हमें सामायिक का पाठ पढ़ाते हैं, उसका मतलब है समता भाव जीवन में आ जाए, समभाव और सहनशीलता। हर परिस्थिति के अंदर सुख में दुख में, खुशी में गमी में, दिन हो रात हो, अनुकूल परिस्थिति हो प्रतिकूल परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति के अंदर समभाव बना रहे, समता भाव बना रहे, शांति बनी रहे, इसी का अभ्यास हो, यही दीक्षा का मतलब है। महाराज जी, जैन धर्म में चतुर्मास का जो महीना होता है उसी तिथि को क्यों मनाया जाता है चतुर्मास? जैन धर्म में चतुर्मास का महत्व है, पहले हर संस्कृति के अंदर जैन धर्म में के अंदर मतलब चतुर्मास का 4 महीने का महत्व था हर संस्कृति के अंदर। पर ये जो 4 महीने का महत्व है चतुर्मास का, श्रमण संस्कृति के अंदर अब भी अक्षुण बना हुआ है। ये 4 महीने बरसात के दिन होते हैं, जीवों की उत्पत्ति का समय होता है। जीवों की रक्षा के लिए हर जैन साधु साध्वी जिस समय चतुर्मास लगता है, इस वर्ष चतुर्मास 20 जुलाई को प्रारंभ हो रहा है, तो ये 20 जुलाई से लेकर ये 4 महीने तक चतुर्मास लगेगा। और ये जीवों की रक्षा के लिए, 6 का जीवों की रक्षा के लिए सभी जैन साधु साध्वी एक स्थान पर रुक जाते हैं। महाराज जी, इसके साथ ही मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहूँगी कि जो साधु जीवन होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है कि कठिन होता है, उस जीवन को क्या कहते हैं अपने लिए बहनाना, अपने लिए उस चीज़ में ढलना बहुत ही मुश्किल होता है, पर आपके हिसाब से ये क्या कठिन है या एक परमात्मा से जोड़ने वाला एक कदम है हमारे? आपने जैसा कि सवाल किया कि जैन धर्म कठिन है, लोग यही कहते हैं कि जैन धर्म कठिन है, हमने ये कठिन रास्ता बनाया है, हमारे लिए ये सब तौर तरीके कठिन हैं, पर नहीं, ये हमने अपनी इच्छा से ग्रहण किया है। और हम अपनी इच्छा से जो भी इस जीवन में कष्ट आते हैं हम उसे खुशी से सहन करते हैं, खुशी से सहन करना यही हमारा तपस्वी जीवन है। अगर कोई हमारे से ज़बरदस्ती करवाया जाए गृहस्थ अवस्था के अंदर, उसे हम दुख कहते हैं, कठिनता कहते हैं, ये हम अपनी इच्छा से ग्रहण करते हैं और खुशी से हर तकलीफ को हम सहन करते हैं, यही हमारी साधना है।